आखिरकार उन्होंने एक बाबा बुढ़ा सरदार सी, वो कहता है कि बैतुल्ला के दरवाजे में जरा सब तो पहले गुजरेगा असी उसका फैसला मान लांगे। अल्लाह ने लिखा सी कि तू फैसला की करना, असी पहले ही लिखा होया सी सोना रसूल बैतुल्ला के दरवाजे पहले गुजरे। सब ने क्या हाजल अमीन कदर जीना हो हाजा मोहम्मद, ये अमीन इंसान है, हम इसकी बात को मानेंगे जो करेगा हमें मंजूर है। और देखो नबी कितना सियाना है, चादर बिछाई, चादर बिछा के आया है। सोने नबी ने हजरे असद अपने हाथ नाल उस चादर दे विच रख दिता। सरदारा नु क्या ए चादर उठाओ, पत्थर कोने पकड़ा ते सरदारा नु चलो लै चलो बैतुल्ला दे कोने च रखना है। नबी ने आप ही उठा के उत्थे रख दिता, सारी दुनिया राजी हो गई। फतवा ना लाना जिन्नी को मैनू समझ आई है, जिन्ना नबी सियाना ते अकलमंद ते दयानतदार होंदा दुनिया च कोई अहियो जिहा सियाना जमे ही कोई नहीं। लखां ते करोड़ां दरूद होवन अहियो जे पाक रसूल अल्लाह। और मैनू इजाजत दिओ इस कायनात ते जिन्ने दरख्त ने उन्हां दे पत्ते दरियावां दे पानी दे कतरात होए आसमान दुनिया दे तू ही सुन ला। फेरे वे जिन्ने सितारे ने, जंगलां दे जिन्ने दरख्त ने, उन्दियां टहनियां दे पत्ते ने, बकरियां दे पिंडे दे वाल ने, जरबे लख करके ते जिन्नी तादाद बने अल्लाह उन्नी तादाद दे बराबर सोने रसूल ते दरूदो सलाम हो। तैनू की पता मेरा नबी की शायद अंदर वाला नबी नो तेरिया सारिया मुसीबतां दा हल ये है। 35 साल की उम्र हजरे असद नू उठाने वाला, चादर विच रखने वाला, चादर विच निकाल के कोने विच लगाने वाला कौन है? उसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो, अबू जाल नू गल वारे ना आई, जो सोना रसूल नबी बन के आया। बड़े ध्यान ना सुन वाली गलों ने सुन लिया करो, बड़ी मेहरबानी है, जन्नत पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। अबू जाल ने क्या, अगर मैं अपनिया अखां नाल कदी वेख लिया कि दावा नबूवत करन वाला ये बैतुल्ला दे अंदर सजदा कर रहे रब नू, ते मैं ला आता ना राका बाता हूँ, मैं दी गर्दन उत्ते बैठ के जहाँ उदों इनू छड़ना जदों सा इंदा बंद हो गया। ओ लोगो, मक्के दे तमाशा ही आए वेखन, तमाशा रब जाओगा। दुनिया जमा हो गई, अज अबू जाल ने नबी दी बदन मुबारक उत्ते बैठना ते कहना मैं अखीर साह तक जब तक दुनिया च ना जावे मैं छड़ना ही नहीं आया। ओ जलीला, की बोल तू बोलना, तेरी औकात की है? तेरी औकात का पता तो बदल ही जाएंगे जिला क्या थी कि तू की चीज है।
अल्लाह तेरी औकात, अल्लाह मेरा सोना रसूल सजदे चले गए। अबू जहल ने तैयारी कर ली, तमाशा ही आए ने। अबू जहल चलना शुरू करता है कि मैं नबी दे पीठ मुबारक ते बैठना है। नबी का बदन तो पाके तो तेरा पिंडा ही भरी दे, तेनु अल्लाह अपने नबी की कंध ते बैठन देगा, कितने रहना तू? चंद कदम चलिया वापस होने लग गया। सरदार साहब मजाक करते हो, तुसी दुनिया नु तुसी बुलाया है, तमाशा भी खाओ। कहिंदा इन्ना बैनी व बैनहु लखंदक मिन नार व हौलन व अजनहा, मेरे दरम्यान इस नबी दे दरम्यान अग दे खंदक खोदी गई है। फरिश्ते आसमान तू आ गए, पर भी खा रहे ने, बेशर्मा अगे बनेगा तेन मारने आगे। हजरत साहब दलील होके वापस आ गया। अल्लाह तेरा बदन पलीद है, तू नबी दे कंड मुबारक से बैठना है। अल्लाह कैसी हदीस याद आई, आप फरमा दे लोग मैनू गाला देंदे ने कुरैश मक्का, कहंदे ने मुजम्मम तेरी ऐसी औरत ऐसी, यश्तमूना मुजम्ममा वल यलअनूना मुजम्ममा, कहंदे ने मुजम्मम ऐसा मुजम्मम ऐसा, व आना मुहम्मद, और मेरा नाम तो मुहम्मद है, मेरे रब की अल्लाह ने इन्नी इज्जत की कि प्रीत मूँह बच्चे रब दाखले नहीं मुहम्मद होने देता। कोई समझ आ रही लो, अंदरों होके सुनो, पहले चेहरे उत्ते कोई रंग होवे, अर्श वाले नूं पता लगे कि मेरे नबी दियां गल्लां सुनने वास्ते आए ने मतवाले, सुन्नत रसूल ते कट मरने वाले ने। अल्लाह तू मेरा बड़ा ही सोना अल्लाह, अल्लाह वाले अजदे शनुआ दा बंदा यमन चू आया, अक्का बंद ना करो मारांगा मैं तुहानू, फिर सही होके बैठो। अजदे शनुआ दा बंदा यमन चू आया जिंदा नां सी जमात, मक्के च दाखल होया तो मक्के दे आम कदे बेवकूफा ने किया कुरैश मक्का ने, यार बहुत अच्छा है तू आ गया, तू दम झाड़ करना है, पागलों का इलाज करना है, साडे इलाके च मात अल्लाह के पागल होया जरा उन्होंने फूक मार दे बेचारे होश आ जाए, आए आए अखा दना बंद कर काका, कित्थे रहना तू, तेरे कान बोले ने की होया, तुहानू तुहानू बहुत नींद आई। अल्लाह कहिंदा मैं उन्हां नूं मिलना ते फूंक मार देना, सोने रसूल बैठे सन, मजमा लग्या सी, कहिंदा यो को मुहम्मद, ओ मजमे वाले हो तुहाडे च मुहम्मद कौन है? सोना रसूल कहना आना मुहम्मद, मुझे मुहम्मद कहते हैं। कहना जी मैं सुना भी तुसी तेरा दिमाग तुहाडा कुछ सेट नहीं है कि ऐसिया वैसिया गल्लां कर रहे हो, तो कहना एको ही खुदा साहब कुछ दे सकता है, ते अगर तुसी इजाजत दो तो मैं बहुत बड़ा हकीम हाँ, ते मैनू
दम चार बड़िया आदि है और महारत तामा रखना ते फूक मरवा लो बस तारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आपने फरमाया मरीज को लाया, तू मरीज को तेरे नज़दीक मैं मरीज हाँ, तो मरीज का फर्ज है कि अपने तबीब न दसे कि मैनू की बीमारी। मेरा नबी खुंडी लैके खड़ा हो गया आया है, कह देने तबीब सुन मैनु की बीमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। ओ मुसलमान ना तू उठे सा ना मैं उठे सा, कहंदा आयत हाज़िल कलिमात दोबारा पढ़ो, से बारा पढ़ो लकद बलगना ना मुसलमान। ये तो समंदर दिया गहराइया तक कलमे पहुंच गए ने, मैं ताड़ा इलाज करन नहीं आया, असल विच मैं इलाज करवान आया, मैनू अपना यार बना लो, अपना हाथ निकाल के बैत करा दे, मेरे जन्नत पहुंचा दे। और सोरिया जहनमी बन के आ सी ते जन्नती बन के, कोई समझ आ रही सानू? आया करो दरवेश फकीर दियां गल्लां सुनया करो, जदों ने कर्म करना होवे अल्लाह सोना रसूल मदीना मनोरा पहुंच गया। 13 साल मक्के गुजार के अब्दुल्ला बिन सलाम ने पहली बार देखा मेरे नबी नू, यहूदियों का वड्डा आलिम सी, पहली बार कभी नहीं देखा, पता लग गया बे नबी है। कहना मैं अपने बाग में फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी ने इतला दी कि नबी आ गया है, मैं झाती मारी नबी वाल, तो मैं क्या हाजल वजो लजे कदो, ये झूठे का चेहरा नहीं है सच्चे का चेहरा है। और मैं अपने को सवाल करना तेरे को पूछना, तेनू मैनू वेख के कोई कहता भी ये बंदा सच बोलता है, कितने रहना तू? फेरिया फेरिया छड़ दे, रिजक हलाल दा कमाया कर, दाड़ी सिद्धी के अकबर वाली रख्या कर, इबन वही ते बुजाल वाली ना रख्या कर, तेरी कोई कीमत पै जाएगी उत्ते? दाना लगा और सारे बदल दुखी जाए। अल्लाह उस नबी ने तेनों की गल सुनावा, नबी ने अपने सहाबा दे हक च बड़िया दुआ कीतिया। हजरत साद बिन मौत उस कबीले का सरदार रज़ी अल्लाह अन्हो, और जदों दुनिया तो रुखसत होए आप सरकार फरमा दे ने तानू नज़र नहीं आता सहाबा तो मैनू नज़र आता है के साद बिन माज दे जनाजे उत्ते अल्लाह ने 70,000 फरिश्ता उतारिया है, जिन्ना ने कदी इस दुनिया च आके वेख्या नहीं, स्पैशल क्वालिटी दे 70,000 फरिश्ते साद बिन माज दा जनाजा बन रहा है ने। तुम्हें दुआ जा करया कर अल्लाह मेरे पिछे भी फरिश्ता है, की जिंदगी अजर साहब को फरिश्ता ना आया तो की जिंदगी? गोल बोलना बना कर, पता नहीं तू कितने रहना है, उच्चे उच्चे साह लड़ना, मैं तेरी जानती नहीं खड़ी कितने रहना तू।
नबी दुआ करता है मैंने मिसकीन बना के जिंदा रखी, मिसकीन बना के मारी, तो क्यामत मिसकीन की जमात खड़ा कर। आज असर मारे दरवेश फकी ऐसे ऐसे सोने रसूल के परवाने पैदा हुए फिर जिन्हां दियां मईतां नूं नूरी फरिश्ते ने उठाया, कईयां नूं नूरियां ने गुसल दिते। ओए ओए बड़े बड़े मकाम उच्चियां ते पहुंचे। अल्लाह अब्दुल्ला बिन सलाम आके कहन लगे या रसूल ऐ नबी ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तीन सवाल करांगा तुहाडे कोल, अगर उन्हां तिना सवालों का जवाब तुसां सही दे दिता तो मैं समझांगा तुसी नबी हो, नबी तो सिवा उन्हां तिना सवालों का जवाब कोई दे सकता ही नहीं। आप फरमा दे ने अखबरानी बिहिन्ना आने फन जिब्राइल हो आए आए, मैं सोने रसूल दी अरबी इबारत का जिक्र करना, हो सकता है रब नू मेरे तक तरस आवे कि मेरे नबी दियां ही आवाज नू मेरे नबी दे लफ्ज बोले नू नकल कर दें दा की हिसाब लैना है। ते तुहानू कह देवे तुहाडा की हिसाब लैना, तू मिसी मेरे नबी दी गल सुन ले। अखबरानी बेहिन्ना आने फन जिब्राइल, मैनू जिब्रील ने हुण दस्से उन्होंने सवालों के जवाब तो पहले मैनू नहीं आ रहे थे। हजरत साहब अल्लाह बड़ा फिर कर्म कर देना, मेरा पहला सवाल यह है कि मां अब्बर अशरा दिशा के क्यामत की पहली निशानी की होगी। नंबर दो मां तुम अहले जन्ना, मां अब्बर तुम अहले जन्ना, जनतियां नूं सब तो पहले की खाना मिलेगा, अल्लाह मेजबान होगा, जनती मेजबान मेहमान होंगे ते मेजबानी केड़ी शह नाल पहले करेगा अल्लाह। नंबर तीन कदी इंसान की शक्ल अपनी माँ उत्ते हो जाती, कदी बाप उत्ते हो जाती, कदी दादकियां उतरती, कदी नानकियां उत्ते, ये की गल है। आपने फरमाया पहली निशानी मशरक नूं अग निकलेगी, मगरब तक पहुंच जाएगी, लोगों नूं इकट्ठा करेगी, चलते चलते हशर के मैदान ते पहुंचा देगी। जनतियां नूं पहला खाना मछली मिलेगी, मछली का जरा जिगर के नाल लटका हुआ हिस्सा बड़ा लजीज होंदा है, और उन्हें 70,000 बंदा खाएगा। तीसरी गल का भी जवाब दिता, और तुम मेरे को कले पुछोगे तो फिर दसागा अगर जरूरत महसूस होती थी। जिस दिन उन्हें तिना सवालों के जवाब सुन लै कहना जी मैं कलमा शहादत का पढ़ना, मैंने मुसलमान कर लो, तो जरा मेरी जमात जड़े यहूदी ने उन्होंने जरा बुला के पुछो कि कह पफी कबन सलाम कि अब्दुल्ला बिन सलाम साडा जरा मौलवी आलम है कैसा है। तो मैं लोग के बैठ जाना यार, आपने उन्हें शगिरदा मुक्तदिया ने बुलाया, ढेर सारी दुनिया आ गई। आपने फरमाया
अब्दुल्ला बिन सलाम ताले कैसा आदमी है, सैयदनो वबन सैयदनो, ओ साडा सरदार है, सरदारां दा पुत्र है, दादा भी सरदार है, पीढ़ी सारी सरदारां दी है। आ फरमा देने अगर उन तौफीक अल्लाह बख्श दे कलमा पढ़न दी ते फिर इन्हें नू वो भी छुपे बाहर आ गए, कलमा पढ़िया हूँ उस जबान वाली यहूदी कहते ने शर्रो नो बबनो शर्रे नो, ये भी शरारती ना प्यो भी शरारती ना दादा भी शरारती, ऐ यहूदी ने यहूदी ने मगर लग गए हो लैन देन सब यहूदियों नालों वंडिया है। अल्लाह बदो यहूदियत नो ईसाईयत नो, हजरत साहब सोने रसूल की क्या बात है, बस अखीर की गल सुन लो। कहते ने जो सोने रसूल नो असा दफन किया, हजरत अनस कहते ने कि मां नफजना ऐदियन हत अन करना कुलूबना, असी मट्टी पा के कबर मुबारक दे हाथ नहीं चाड़े ते साडे दिलां दी ओह कैफियत ना रही जो सोने रसूल को बह के नसीब हो। सानू तो 1400 साल हो गए, दो बज गए काका ते दिल मेरा बड़ा करदा, मैं तैनू गल्लां बहुत सारियां सुनावां, घंटा टाइम होंदा थोड़ा टाइम होंदा ए अजे काम पूरा नहीं बनता, बिचे जोश रहा अल्लाह दे रसूल दे गल्लां नाल, तैन की दसा शुक्र करया कर, शुक्र करया कर, हक सुनन वास्ते आना है, जिन्हें हक सुनना होवे हकीकत सुननी होवे वो इत्थे आ जाया करे। ये दरवेश फकीर तुहानू ऐसे नुस्खे दिया करेगा कि इंशाल्लाह जो मौत आएगी अल्लाह दा सलाम आएगा, जन्नत दा पैगाम आएगा, और इंशाल्लाह कबर जाएगा तो मुनकर नकीर नजर नहीं आन के मुबशर से बशीर नजर आने। आज दा खुतबा जुमा इन्ना ही वाफी काफी शाफी, और मेरे सोने मन मोनो मैं तेन की दसा, मेरे अंदरों दुआ निकल रही है, अल्लाह जिन्हें परवाने आए ने किसी का हिसाब किताब साडा ना लवे, असी हिसाब किताब दे जोगे नहीं, बस उमें छट्टा मार मूर के सानू जन्नत पहुँचा देवी, जन्नत की थी असी कि जो तेरी रहमत छट्टा पै जाएगा असी दाखिल हो जावा। अज का सुतवा जमा नहीं काफी बाफी समझ, अल्लाह तेरा और मेरा फर्क है।